मेरा नाम रविंदर सिंह है, मेरी वाइफ का नाम आशा कौर है जी। मैं इतने 7 तरीक में आया सी जी, मेरी वाइफ को लैके इतने आए थे। डिलीवरी का केस जी, तो पहला कहते थे भी नॉर्मल केस होगा, तो वो होया नहीं है। तो अगले दिन उन्होंने कहा भी ऑपरेट करना पैना, वाला ऑपरेशन से। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, वाला ऑपरेशन किया जी, 11:47 के वेली हो चुका है। तो उस तो अगले दिन उन्होंने पेट च स्वेलिंग भी ज़्यादा होने लग गई सी, तो टांके वगैरह सब कुछ दुख रहे थे, यूरन वगैरह आना बंद हो गया। डॉक्टरों इतने असी 2-4 पहला बारी बुलाया, तो उन्होंने सुनया नहीं है। 1.5 घंटा फिर कहने तो बाद जो असी रौला रूला थोड़ा बहुत उन्होंने पा के कहा भी तुम मरीज देखो भी अंदर तड़फ रहा। तो वह फिर देख आए, उन्होंने माड़ा मोटा चैक किया, कहें जी गैस है जी। इन्होंने इंजैक्शन वगैरह ला के उन्होंने नींद दे उन्होंने सुभाता, तो पर उन्होंने आराम नहीं आया। असी उन्होंने कहा भी तुम रैफर कर दो, इन्होंने रैफर भी नहीं किया है पहला। जो इन्हों गलबात तो बाहर हो गई, फिर असी आप इन्होंने कहा भी तुम रैफर कर दो, साडा इदा नहीं मतलब मरीज सही होना है। कहते थोड़ा रजिंद्रा भेज दें असी पटियाला। अभी क्या भी जो जी सर्विस तुम इतने दे रहे हो वह जी उत्थे मिलनी है, इस नाल चंगा असं प्राइवेट होस्पिटल चल जाने। असी फिर अपनी मर्जी ना रात में 2 बजे उतों निकले हैं, तो 2 बजे निकल के असी इतने एडमिट करवाया CMC के। किन्नी तरीक इतों निकले? असी इतों 3 दिन बाद ही निकल गए, 8 तरीक में ऑपरेशन हो चुके इन्हों का, तो निकल गए सके। तो फिर उन्होंने उत्थे एक्सरे वगैरह चैक किए, तो स्कैन वगैरह हुई सी, सिटी स्कैन होने बाद उन्होंने कहा भी सानू जो पहला ऑपरेशन किया उ दोबारा खोलना पेगा, भी इन्हों राइट साइड से कोई प्रॉब्लम आ भी उन्होंने खोलना पैना। तो उन्होंने जो खोलिया बच्चों एक टावल निकलिया, वो आ जो टावल आ मेरे हाथ से देख रहे हो, ये टावल निकलिया वो इन की एड्डी लापरवाही आ। जे कल साडे पेशेंट को कुछ हो जाता जा रब ना करे वो डैथ वगैरह जो हो जाती इदा तड़फदे, फिर असं कितने जाते? उस तो सर मैं कन्फर्म नाम तो नहीं पता, मेरे को फाइल पूरी उन्होंने पई है जेडे भी बनी सी इतने सिविल के, मेरे को सारे फोटो कापिया पीछे सर हजे मीटिंग होनी है उन्होंने, तो उन्होंने मिलना वा असं लिखती रूप में उन्होंने पहला देवे रात ने सू। तो फिर भाजी होना को असं पहुंचे, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਪਰਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ 'ਚ ਓਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਉਸਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ CMC ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ।